नागपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों को पीने के लिए चरस पहुंचाने का काम करने वाले सेंट्रल जेल के सुरक्षा रक्षक मंगेश सोलंकी के खिलाफ धंतोली थाने में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसी घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जेल रक्षक द्वारा अपराधियों को चरस की आपूर्ति किए जाने का मामला सामने आया है। जेल अधिकारियों की सतर्कता से यह प्रकरण सामने आया, इसके बाद से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। रंगे हाथ मिले रक्षक को गिरफ्तार कर 70,000 रुपए कीमत की 28 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी जेल रक्षक का नाम मंगेश मधुकर सोलंकी, उम्र 28 साल है, जो कि सहकार नगर निवासी है। मंगेश मूलतः अकोला का निवासी है। उसका 2018 में जेल रक्षक पद पर चयन हुआ। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उसे पहली तैनाती नागपुर जेल में दी गई थी। जेल में बंद कई अपराधी और मादक पदार्थ तस्करों को नशे की लत है। इसे पूरा करने के लिए वह कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। कोविड के चलते कैदियों की अदालत में पेशी बंद है। इस वजह से जेल रक्षक ही भीतर मादक पदार्थ पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। इसका लाभ उठाकर मंगेश कैदियों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करने लगा। नागपुर का सेंट्रल जेल एक ऐसा जेल है जहां पे तमाम कैदियों को लाया जाता है और इन कैदियों को पूरी तरह से इनके ऊपर नजर पैनी नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में जब सुरक्षा रक्षक ही इन्हें चरस पहुँचाता होगा तो कितनी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन सभी पुलिस वाले वैसे नहीं रहते। एक एक घटना के पीछे बताने का ये काम है। इस समय में हमारे साथ में धंतोली की पीआई धनंजय पाटिल साहब है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो जेल कर्मी जो सुरक्षा रक्षक है जिसने 28 ग्राम चरस जो दी है उसकी जानकारी उनसे लेते हैं। पाटिल साहब, जिस प्रकार से ये जो कामकाज हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में सवाल या निशान बनी हुई है, क्या कहना चाहोगे? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र पुलिस का कर्मचारी नहीं है, ये कारागृह पुलिस का कर्मचारी है और उसकी जब जड़ती ली गई जेल प्रशासन द्वारा उसके पास वो अमली पदार्थ मिला, उसका अभी तपास चालू है, उसमें ऑफेंस रजिस्टर है, उसको अरेस्ट किया था और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस पे है। सब कौन कौन सी उसके ऊपर कलमें लगाई है? उसमें NDPS एक्ट के अनुसार कलम 8 और कलम 20 लगी हुई है। ये जो मामला हुआ है ये कितना गंभीर है? ये मामला गंभीर ही है, सुरक्षा रक्षक ने ऐसा करना तो गंभीर मामला है। अब आगे में क्या हो सकता है? आगे में अभी तपास चालू है, उसके खिलाफ हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और एविडेंस मिलने पर चार्जशीट भेज रहे हैं। आप है धनंजय पाटिल साहब जो कि धंतोली के PI, इन्होंने बखूबी बेवा के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो घटना हुई है पूरी तरह से निंदनीय है। इस तरह से कोई भी जेल रक्षक ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस यह हमेशा अच्छा काम करती है, मगर कुछ ऐसे भी कामकाज करने वाले लोग होते हैं, उन्हें समय के चलते उन्हें गिरफ्तार करना और उन पर अंकुश पाना यही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो कि इस समय में किया गया है। धंतोली पुलिस थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।